जाता है कि दुनिया में बेस्ट प्लेयर है इस वक्त, T20 वनडे हो या टेस्ट मैच हो, वो आउट हो गया, उसके बाद जिम्मेदारी ली और एक बड़ा टोटल करके दिया इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को। जैसे पंत कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता हुआ आ रहा है और जहां जरूरत पड़ती टीम इंडिया को वहां पे बैटिंग कर। शिव कुमार यादव ने रन किए 57, ऋषभ पंत की अच्छी फॉर्म चल रही है काफी दिन से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नया प्लेयर सूर्या कुमार यादव, दूसरे T20 में डेब्यू हुआ था, बारी तो नहीं आई थी लेकिन ईशान खेला था, उसने 50 प्लस रन डेब्यू इनिंग्स में खेली। तो सूर्या कुमार ने भी फिर आप देखेंगे कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, 57 रन बनाया जाता है कि दुनिया में बेस्ट प्लेयर है इस वक्त, T20 वनडे हो या टेस्ट मैच हो, वो आउट हो गया, उसके बाद जिम्मेदारी ली और एक बड़ा टोटल करके दिया इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को। जैसे पंत कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता हुआ आ रहा है और जहां जरूरत पड़ती टीम इंडिया को वहां पे बैटिंग करके तो देखना चाहता हूं हमेशा कि रोहित शर्मा स्कोर करे। मुझे वो खेलता इतना अच्छा लगता है कि उसको देख के मजा आ रहा होता है, किस तरह वो आराम से इजी ही मेक्स बैटिंग लुक इजी। सूर्या कुमार यादव ने रन किए 57, ऋषभ पंत की अच्छी फॉर्म चल रही है काफी दिन से, इधर से रिजवान फॉर्म में, उधर से भी विकेट कीपर फॉर्म में गांगुली और उसके बाद धोनी। आई थिंक धोनी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑल टाइम, अगर उसकी लिस्ट बने कैप्टन की तो इज डेफिनेटली इन द वेरी टॉप। उन्होंने धोनी को कैप्टन बनाया ना, दैट वॉज द डिसीजन, वो द डिसीजन था। और उसके बाद जिस तरह उसने इंडिया का जो नक्शा बदला है क्रिकेट का, छक्का मारना और इंडिया के वो पहले डेब्यूटेंट प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने जो है पहली बॉल पर छक्का मारा है। ठीक है, उनका ये सेकंड मैच था, उनकी बैटिंग नहीं आई थी लेकिन आज उन्होंने की बैटिंग और पहली बॉल पर जोफा आर्चर को छक्का मार के वो जो है इंडियन हिस्ट्री के जो है पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज छक्के से किया। सूर्य कुमार यादव की जितनी भी तारीफ सूर्य कुमार यादव के बारे में करना चाहते हैं, आने वाले वक्तों में ये इंडिया का बहुत बड़ा स्टार बनने जा रहा है सूर्य कुमार यादव। उस लड़के में इमेंस टैलेंट है किया, शोएब अख्तर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लोग कह रहे हैं अंदर खिचड़ी पक रही है, उन्होंने कैप्टन को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, इंडिया अपनी मन मानी शुरू कर दी, लोग कहते हैं कि वो किसी एक बड़ी पर्ची की बड़ी सिलेक्टर के ओहदे पॉपुलर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाद लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स की बेसिस पर वो पाकिस्तानी टीम का इंतखाब कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बजाय इसके कि वो हर एक को खुश करने की कोशिश में, अब आप देखें एक लड़का एक सीजन में परफॉर्म करता है उसको टीम में लेकर आ जाए, डिसीजन ले रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सोशल मीडिया के जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको फॉलो किया जाए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, उन्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो काम ही नहीं शुरू हुआ और फिर एक आदमी को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, तो बकरा बनने से पहले ही वो छुरी के नीचे से निकल गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, सख्त SOPs पर अमल, अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाना होगा, जिम्बाब्वे में भी बड़े केसेस हैं, आपको पता है विमेन टीम का जिम्बाब्वे का टूर कॉल ऑफ हो गया था कोविड की वजह से। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या स्ट्रेटजी प्लान करता है दोनों दौरों के लिए। आपको आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के टूर पे भी इंग्लैंड की टीम वापस चली गई थी अधूरा।